जीरो से हीरो बनाया है। अगर उनको गलत राह पे कोई लेके जा रहा है, उनका संगठन बना के उसका इस्तेमाल गलत कर रहा है, तो ये नहीं होने देना चाहिए। पवन सिंह ये भोजपुरी का ऐसा नाम जिनको कई लोग पावर स्टार कहते हैं तो कई लोग सुपर स्टार, लेकिन शायद इस लिस्ट में पावर स्टार पवन सिंह के लिए एक नाम और ऐड हो चुका है और वो है लकीर स्टार। जैसे सुना आप सभी ने, ये लकीर बनाते भी है और लकीर मिटाते भी हैं, और शायद इस बार एक ऐसा लकीर है जो पावर स्टार पवन सिंह के सभी फैंस के लिए, जो वो है आसनसोल का टिकट वापस कर देना। जिस टिकट के लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं और शायद ही किसी की पॉपुलैरिटी होती होगी जिसको ये मौका मिलता है, लेकिन शायद पलक झपकते ही ऐसा क्या हुआ कि पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी से मिले ऑफर को यूं ही ठुकरा दिया। हालांकि ये तो रही साइड की बात, इस फैसले का कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, और शायद इस विरोध के लिस्ट में पवन सिंह के सबसे करीबी दोस्त दिनेश लाल उस निरहुआ का भी नाम ऐड हो चुका है। जो निरहुआ ने साफ तौर पर पवन सिंह के इस फैसले को गलत बताया, और आप सभी को बता दें निरहुआ का साफ कहना है कि पवन सिंह ने आसनसोल का टिकट वापस करके काफ़ी बड़ी गलती की है, क्योंकि निरहुआ का साफ कहना है कि पवन सिंह हिंदुस्तान के किसी भी कोने से खड़े हो जाए, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है कि शायद उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यह भी बताया कि पवन सिंह का कद इस समय भोजपुरी में सबसे बड़ा है, और क्या नेता अभिनेता, सभी पवन सिंह के स्टारडम को जानते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी को भी जानते हैं, और शायद आसनसोल के टिकट को वापस करके पवन सिंह ने भूल की है। वैसे दोस्तों आप सभी के हिसाब से पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट को वापस करके सही किया या फिर गलत, आप सभी कौन मुख्य बताइएगा, और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि अगर पवन सिंह आसनसोल से खड़े होते तो क्या उनकी जीत होती या फिर हार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।